चलिए आइए इसे भी शुरू करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी। शिष्य आनंद गिरी पर प्रयागराज में FIR हुई है। आनंद गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज ले जाया गया है। आपको बता दें कि लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी मुख्य पुजारी आद्य तिवारी भी हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि बीती रात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला सामने आया था। संदिग्ध हालत में उनका शव बरामद किया गया है, जिसके बाद यूपी के सहारनपुर से पुलिस हरिद्वार पहुंची, साथ ही SOG की टीम भी आश्रम पहुंची, जिसमें लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी और उनके बेटे पर मौत की वजह बताया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप तिवारी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। चलिए आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संदीप, क्या हुआ है पूरा मामला? वहां पर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो चुकी है, और अब तक कहां तक केस पहुंचा है? देखिए, अभी फिलहाल जो है पूरा मामला जो पुलिस के संज्ञान में आया है, उसमें उनका जो सुसाइड नोट मिला है उसमें लिखा हुआ है उनके एक शिष्य आनंद गिरी तथा कुछ अन्य लोगों का नाम उसमें लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वो किसी कारण से काफी प्रेशर में थे, अवसाद में थे, जिसकी वजह से वो इस प्रकार का कदम उन्होंने उठाया है। उनका ये जो मौत है वो फिलहाल अभी संदिग्ध ही रूप में लिखी जा रही है। अभी पोस्टमार्टम के लिए उनका शव नहीं भेजा गया, पोस्टमार्टम के लिए उनका शव भेजा जाएगा, उसके बाद स्पष्ट होगा कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन संत समाज की अगर हम बात करें तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र जी जैसा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति जो है वो आत्महत्या कर सकता है। उनके जो शिष्य जिनके ऊपर आरोप लग रहा है आनंद गिरी, वो भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है और उस हत्या में उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने भी उच्च स्तरीय मांग की है, CBI जांच की मांग की। उनका लगातार ये कहना है कि वो प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट होकर सामने आ जाए। जी, और संदीप, आनंद गिरी जो उनके शिष्य रह चुके हैं, पहले भी उनके बीच में कहा सुनी सामने आई है, लड़ाई हुई है, और उसके बाद उन्होंने एक महीने पहले ही महंत से माफी भी मांगते हुए वो नजर आए थे। उसके बाद उनका इस केस में आना क्या कुछ पहेली है? जी बिल्कुल, अभी कुछ महीने पहले की भी बात है, जिसमें जो है एक ऐसी लड़ाई सामने आई थी जिसमें तमाम वीडियोज भी वायरल किए गए थे सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के, जिसमें आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी जी के विवाद का जिक्र हुआ था। लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से आनंद गिरी ने माफी मांग ली थी और नरेंद्र गिरी जी ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये कहा था कि उन्होंने अपने शिष्य को माफ कर दिया, अब उनके बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन अब आनंद गिरी ही उसमें मुख्य आरोपी के रूप में देखे जा रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें कोई ऐसी बात है जिसको लेकर इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। जी संदीप, साथ ही जो लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आद्य तिवारी, उनका भी नाम सामने आ रहा है, तो महंत का उनसे क्या रिश्ता था? देखिए, वो मुख्य पुजारी थे, वो यहीं रहते थे साथ में आद्य तिवारी, और उसमें वो मुख्य पुजारी तो लेटे हनुमान जी का सारा दायित्व देते थे और मठ में ही रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इस तरीके की शक की सुई घूम रही है। पुलिस उनको हिरासत में ली है, साथ ही उनके बेटे जिनका नाम संदीप तिवारी, उनको भी पुलिस हिरासत में है और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर जो है उनका क्या इसमें रोल है। ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल शक की जो सुई है वो उनके ऊपर भी घूम रही है। जी, और संदीप, आज महंत नरेंद्र गिरी का जो शव है वो प्रयागराज ले आया जाएगा, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, इस पर कुछ अपडेट? देखिए, उनका शव जो है वो प्रयागराज में ही है, मठ बागंदरी गद्दी जो है वो उनका जो मठ है वहीं तो उनका शव रखा गया है। 11:30 बजे वो आम जनमानस के लिए जो है वो खोला जाएगा, ताकि लोग आकर जो भी उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, या जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए 11:30 बजे के बाद का समय दिया गया है जब उनका शव सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा और लोग आकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन उनका करेंगे। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर।
सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।